वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, 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 नाव छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। में कोई है ही नहीं है बीजेपी, अभी कोई नहीं है। पार्टी की ये सीट थी और हम फिर जीत रहे हैं इसको। जीते थे, वीआईपी पार्टी की सीट थी और इस बार भी रहेगी। दो नंबर पर कोई ना बा, एक नंबर पर सीट खाली है रही। हम नामांकन कर दी, एकदम कर दी। दो नंबर पे हमारे पासवान रहेगा, हम लोग एक नंबर पे रहेंगे। नहीं निषाद के नहीं, हम लोग के साथ पूरे समाज का लोग जुड़ा हुआ है। एससी एसटी एससी निषाद भूमिहार राजपूत सब लोग जुड़ा हुआ है हम लोग के पार्टी से। मुकेश सोनी है वो सब जाति के ना नेता है। बोचहा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के आज नामांकन का दौर है। आज लगभग वीआईपी प्रत्याशी की तरफ से भी नामांकन किया जाएगा, बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से भी नामांकन किया जाएगा और आरजेडी के प्रत्याशी की तरफ से भी आज ही नामांकन किया जाएगा। और सबकी टाइमिंग 11 से 12 बजे के बीच की रखी गई है। अभी हम रमई राम जी के आवास पर मौजूद हैं। रमई राम जी की बिटिया को वीआईपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। मुकेश सहनी ने उन पर दाव खेला है और अभी ये आवास का नज़ारा है। इधर लाइए, दिखा देते हैं। यहाँ से डंडा डंडी उठा करके, डंडा डंडी कह लीजिए, ये झंडा है और अब यहाँ से बाइक पर बांधा जा रहा है। सबसे खास बात जो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं, देखिए ये सब बाइक जो है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सारी बाइक मंगवाई गई थी, खरीदी गई थी और मुकेश सहनी के द्वारा ये बाइक की एक रैली निकाली जाएगी। देखिए यहाँ पर कैसे ये झंडा वंडा लगा करके बाइक को लोग तैयार कर रहे हैं। सामने में देखिए ये झंडा है जहाँ पर बाइक तैयार की जा रही है और ये सब बाइक इस रैली की हिस्सा बनने वाली है। काजी झंडवा बांध रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बांध रहे हैं। किसका आदेश है? अरे माननीय मंत्री जी का आदेश है। अभी पटना से आया है? हाँ पटना से आया है। हाँ सर पटना। कितनी की संख्या है बाइक की? अरे 70 आया है अभी लगभग। अभी लगभग 70 है और आएगी चुनाव प्रचार में आएगी। जी जी चुनाव प्रचार में नामांकन में 70 को बाइक मुकेश सहनी भेजे हैं और झंडा बांध के आप टाइट कर रहे हैं। जी जी जी। तो कब तक बांध लीजिएगा सर? बस हो गया है और इस बार हम लोग दिखा देंगे कि क्या है और जी सीट जीत रहे हैं हम लोग। ये सीट सीट जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं सीट। तो पूरा दम दम खम पूरा दिखाना है, एकदम लड़ाई में हम लोग ही है और हम जो भी लड़ेगा। है किसके साथ? अभी किसी के साथ नहीं है। देखिए ऐसे नहीं, हम लोग से लड़ाई है, लड़ाई वीआईपी पार्टी से। वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार वीआईपी अपने में थोड़ी लड़ेगा। दूसरा कौन है? कोई है ही नहीं है बीजेपी, अभी कोई नहीं है। पार्टी की ये सीट थी और हम फिर जीत रहे हैं इसको। जीते थे, वीआईपी पार्टी की सीट थी और इस बार भी रहेगी। कोई नहीं अभी, पिछली बार एनडीए गठबंधन के तरफ से थे। नहीं मतलब है हम लोग जीत रहे हैं, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा, लेकिन हमसे पहले गठबंधन में थे तो ज्यादा मजबूत थे, अब अकेले हो गए। फिर भी हम लोग मजबूत हैं, मजबूत हैं गठबंधन में, मजबूत थे उससे ज्यादा। अरे भाई पूरा निषाद समाज जितना भी एससी एसटी लोग, निषादे का वोट लेकर सरकार बना? नहीं निषाद के नहीं, हम लोग के साथ पूरे समाज का लोग जुड़ा हुआ है। एससी एसटी एससी निषाद भूमिहार राजपूत सब लोग जुड़ा हुआ है हम लोग के पार्टी से। मुकेश सोनी है वो सब जाति के ना नेता है। लोग खाली उसको कहे कह रहा है कि मुकेश सोनी अकेले पड़ गए हैं, बदनाम कर रहा है लोग। कोई कुछ नहीं, हाँ तब एकदम बदनाम कर रहा है लोग, इसे ये माहौल खराब कर रहा है लोग। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, सहनी लोग समझ रहे हैं कि माहौल खराब करने वाला जुट गया है। सब लोग समझ गया है, उन लोग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब भी लड़ाई होता है तो कोई ना कोई प्रतिद्वंदी तो रहता है, भले ही वो प्रदर्शन कितना भी खराब करे, तो दूसरे स्थान पर किसको मानते हैं? अब देखिए तो हम लोग तो एक नंबर पे, दो नंबर वाले सोचे नहीं वाला भाषा ना, एक नंबर पे लड़ाई में कोई नहीं है। दो नंबर पर कोई ना बा, एक नंबर पर सीट खाली है रही। हम नामांकन कर दी, एकदम कर दी। दो नंबर पे हमारे पासवान रहेगा, हम लोग एक नंबर पे रहेंगे। ये जनता वाली बात है, काफी मजबूती से चुनाव जीतेंगे और दिखा देंगे हमारे पासवान दो नंबर पर रहेंगे। सहनी पे और रमई राम जी पे यहाँ के जनता कितना भरोसा करता है? मुकेश सहनी पे कि रमई राम पे? रमई राम पे भी, मुकेश सहनी दोनों के। रमई राम जी पहले आरजेडी के थे, उनका चेहरा आरजेडी के लिए बना हुआ था, सबको मालूम था कि इनका सिंबल आरजेडी है। और गरीब गुरबा के नेता कहे जाते हैं, तो गरीब गुरबा को समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने चले गए कैमरा में, गरीब को समझाना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं है। अच्छा, हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, समय कम है, समय है। अब समझाना क्या है, गरीब गुरुआ से पूछ के देख लीजिए। अच्छा गरीब गुरुआ से पूछेंगे। तो ये हम बाइक का नजारा दिखा रहे थे, पटना से लगभग 70 बाइक भेजी गई है। यहाँ पर देखिए गरीब गुरुआ ऑटो से लाई जा रही है। काजी कहाँ से हैं आप लोग? मुसहरी से है, मुसहरी पंचायत आता है जो, वही ना। हाँ। तो क्या हुआ है?
यहाँ आ गए? कौन बुलाया है? आज कौन बुलाया है? हमरा सा को संतो कहे लिए आलई है ना का चाची छी कहे लिए आई है? नमनेसा में आए। किसके? रामाई राम के रामाई राम जी चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री जी के नॉमिनेशन में आए। नॉमिनेशन में आए हैं तो नॉमिनेशन करवाइएगा जी। हाँ कथी कर अच्छा करवे अले बनी तो करेबे कर वोटो दीजिएगा कि मतलब नॉमिनेशन तक रहे बाद में सोचा जाएगा ना। अच्छा चाची वोट देवे करबे अच्छा। अब राशन वासन मिलता है? दैन तो ये महीना के राशन वो महीना में जहाँ मिले के ये 25 किलो के राशन तहाँ 100 रुपया ले छी। हाँ। और कथी 25 किलो राशन दे? मुकेश सहनी को जानती हैं? हाँ। कौन है? मुखिया सहनी मुखिया जी हैं। हाँ। किसके? एक नंबर के। वो मुकेश सहनी ना ये बिहार वाला मुकेश सहनी नहीं जानती हैं? कहाँ गया हो झंडवा को दिहलो तनी देखा के पूछी तनी दत्त भैया झंडवा मंत्री जी है। आई बड़का मुहा वाला का आप नहीं जानती हैं? ये जो लहर रहे हैं झंडों पे रमई राम जी का तो चिन्ह बदल गया है कि नहीं? तो लालटेन पर वोट जाएगा? हाँ। लालटेन पर जाएगा? हाँ। आए हैं नाव के छाप के प्रचार के लिए लालटेन पर वोट जाएगा? लालटेन पर जाएगा? हाँ। का जी? हाँ, हाँ। किस पे जाएगा? लालटेन पर जाएगा। लालटेन पर? तो लालटेन लालू जी की पार्टी है? हाँ। रमई चाचा भी लालू जी में थे पहले? अब नहीं है। लेना चाहिए यही हम 2 मिनट पहले पूछ रहे थे का दादी लालू जी पसंद हैं? है इनका के चिन्ह तरह जोन है जोन झंडा बा नहीं कुछ चिन्ह हां इधर दा इनका के चिन्ह नहीं कि तू चिन्ह करू इनका के। हां अच्छा ये टेस्टिंग ऑपरेशन हो गया रमई जी रमई राम जी के आवासे पर इनका मुकेश सहनी जी हैं। मुकेश सहनी के बारे में जो नामांकन करवाने लोग आए हैं वही नहीं जानते हैं। आए हैं नामांकन में मुकेश सहनी का चुनाव चिन्ह वोट देने जाइएगा ना तो वोट बटन किस पर दबेगा? लमटेन पर? हाँ। लमटेन पर दबेगा? हाँ। कमल के फूल पर नहीं नाव पे नहीं नाव पर दबेगा? हाँ देखो अभी पिछवा से भैया जो झंडा धरौले हैं वो सिखा दी हले नाव छाप पर ये पकड़िए हम भी तनी चलाक है समझ गए। देखिए बात ये है कि रमई राम जी पहले आरजेडी के खदावर नेता थे हर बार आरजेडी से ही वो चुनाव लड़ते थे। चुनाव चिन्ह को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती रमई राम जी और उनके समर्थकों के सामने है कि ऐसे लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि इस बार का चुनाव चिन्ह जो है वो बदल गया है माहौल बदला सा लग रहा है। नाव छाप के प्रत्याशी के नामांकन में ये लोग आई हैं। अंदर जाइए ना अच्छा इधर से जाइए अंदर जाइए। हाँ देखिए ये अंदर वो जा रही हैं अंदर लोग जा रहे हैं प्रत्याशी के नामांकने में लोग आए हैं लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि भैया ये जो झंडवा पर हैं ना इनको ये लोग पहचानते नहीं हैं। ये मुकेश सहनी हैं बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चुनाव चिन्ह इनका नाव छापे सामने झंडा छाप दोनों दिखा रहे हैं मतलब इससे नहीं है लालटेन लोग जानता है और लालटेन को ही मानता है। अब कितना बेहतर ढंग से रमई राम जी के समर्थक और उनके कार्यकर्ता साथ ही साथ VIP के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को समझा पाते हैं इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ये खुद कितने समझदार हैं चुनाव प्रचार में हम आपको बताएंगे। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।